भले ही आज हम इंसान पर्यावरण में मौजूद कई जीव जंतुओं और स्पीशीज के लिए खतरा बन रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण न जाने कितनी ही प्रजातियां हर साल विलुप्त हो रही हैं, लेकिन दूसरी ओर जानवर हम इंसानों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, खास तौर पर मरीन एनिमल्स। सन 1988 में एक जहाज फ्रेंच पास से गुजर रहा था। ये जहाज न्यूजीलैंड के दो आइलैंड्स के बीच में स्थित है और यहाँ पर चट्टान काफी अधिक है, साथ ही लहरों का प्रभाव भी काफी तेज रहता है। इस जगह को हमेशा से ही जहाजों के लिए खतरनाक माना गया है। कई जहाज यहाँ पर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, लेकिन जहाज नाविक ने 1888 में देखा कि एक डॉल्फिन उन्हें गाइड कर रही है। जहाज मालिक ने डॉल्फिन का पीछा किया और आसानी से फ्रेंच पास को पार कर लिया। सुनने में यह थोड़ा अजीब और रोचक लग सकता है, लेकिन इस तरह का ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है जब मरीन एनिमल्स इंसान की मदद के लिए आगे आए हों। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं और इससे उन्हें क्या फायदा मिलता है, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। समुद्र में कई प्रकार के क्रिएचर्स रहते हैं जिनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। ओशन सनफिश भी उन्हीं में से एक है। ये मछली दिखने में काफी दिलचस्प लगती है, ऐसा लगता है मानो किसी बच्चे ने अधूरी ड्राइंग बना दी हो। लेकिन ये क्रिएचर असलियत में मौजूद होते हैं। इनका वजन 2 टन के आसपास होता है और मादा सनफिश एक बार में 300 मिलियन अंडे दे सकती है। सनफिश के साथ समस्या ये है कि इसे पैरासाइट्स का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि करीब 50 प्रजातियां इस मछली के अंदर और बाहर रहती हैं, जिनसे छुटकारा पाना सनफिश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। सनफिश पैरासाइट से निजात पाने के लिए पक्षियों की मदद लेती है। ये समुद्र की सतह के आसपास आती है और सीगल्स का इंतजार करती है। सीगल्स इन मछलियों की बॉडी पर से पैरासाइट्स को चुन चुन कर खाने लगते हैं, जिससे उन्हें भोजन मिल जाता है और सनफिश को पैरासाइट से छुटकारा। उन्हें खुजली में भी काफी राहत मिलती है। इसके अलावा ये अन्य बर्ड्स और छोटी मछलियों को भी इसी प्रकार इस्तेमाल में लेती हैं। दोस्तों, सनफिश इंसानों की मदद के लिए भी जानी जाती है। यदि कोई इंसान डूब रहा हो और सनफिश वहां पर मौजूद हो तो उसका सहारा लेकर वो सतह तक आ सकता है। सनफिश इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। असल में सनफिश को लगता है कि उसे इससे बैक रब मिल जाएगा, जिससे उसके पैरासाइट्स बॉडी से हट जाएंगे। यानी सनफिश दूसरों की मदद तो करती है, लेकिन ये सब एक म्यूचुअल रिलेशनशिप के तहत ही होता है। लेकिन क्या सनफिश को ह्यूमंस एक राइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इस बारे में अभी तक ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है। पैरासाइट्स कुछ जीवों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगते हैं और बदले में वो जीव कुछ नहीं कर पाते। वाइल्ड वॉर्म्स भी जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा पिनेला भी काफी घातक माने जाते हैं। ये एक प्रकार के कोपोड्स होते हैं जो किसी की भी स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं। हालांकि परजीवी खून नहीं पीते और ना ही किसी अंदरूनी ऑर्गन पर अटैक करते, बल्कि ये मसल्स को अपना टारगेट बनाते हैं। मसल्स में फैट स्टोर होता है और ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस भी माना जाता है। देखने में पिनेला ज्यादा घातक तो नहीं लगते हैं, लेकिन ये सीधे एनिमल के हार्ट पर असर डालते हैं। इससे एनिमल को कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। एक छोटे से परजीवी के कारण विशालकाय जानवर की मौत हो जाती है। कई मरीन एनिमल्स को पैरासाइट्स के कारण तकलीफ सहनी पड़ती है। दोस्तों, कुछ कोपोड्स 12 इंच तक लंबे हो सकते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी भी जीव को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। व्हेल्स भी पैरासाइट से अछूती नहीं रही है और कई बार व्हेल्स पैरासाइट से निजात पाने के लिए इंसानों की मदद मांगती है। साल 2018 में कैलिफोर्निया के कोस्ट के पास एक व्हेल अचानक नाव के सामने कूद जाती है। जरा सोचिए कि आप अपने हमसफर के साथ एक रोमांटिक यात्रा कर रहे हो, समुद्र के बीच में आप दोनों डिनर कर रहे हो, हाथ में वाइन का ग्लास हो और प्यारी प्यारी बातें हो रही हो कि अचानक आपकी नाव के आगे एक व्हेल कूद जाए। यकीनन कुछ सेकंड्स के लिए आप सदमे में आ जाएंगे, लेकिन उस चोट से व्हेल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। असल में व्हेल्स नाव के सहारे खुजली करना चाह रही थी, जिससे उसे पैरासाइट से छुटकारा मिल सके। हालांकि आमतौर पर व्हेल ऐसा करती नहीं है और नाव भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती कि वो व्हेल के धक्के को सहन कर सके। व्हेल्स बॉडी को स्क्रैच करने के लिए या बॉडी को रब करने के लिए या फिर खुजली के लिए चट्टानों का सहारा लेती है। ये चट्टानों वाले इलाके में जाती हैं और उन पर अपनी बॉडी को रगड़ती हैं। इससे उनकी बॉडी पर लगे पैरासाइट्स हट जाते हैं और समय समय पर उन्हें ऐसा करना पड़ता है। दोस्तों, एक बार एक मरीन बायोलॉजिस्ट नन हॉसर की जान व्हेल के कारण ही बच पाई। नैन हुसैर कुक आइलैंड के पास स्विम कर रही थी कि अचानक एक व्हेल उन्हें पानी के बाहर धकेलने लगती है।
वेल महिला को अपनी पीठ पर बैठाती है और उन्हें सीधा नाव तक पहुंचाती है। ऐसा वो बड़ी ही सावधानी से करती है। महिला को बिल्कुल चोट नहीं आती, वरना 23 टन की वेल यदि चाहे तो एक झटके में ही इंसान की हड्डियां तोड़ सकती हैं। बाद में नान ने बताया कि उसके आसपास एक 13 फीट लंबी शार्क घूम रही थी और वेल ने उनकी शार्क से रक्षा की। यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर वेल ने महिला की मदद क्यों की और क्या मरीन एनिमल्स वाकई में इंसानों से इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों, मरीन एनिमल्स ना तो इंसानों को डराते हैं और ना ही वो हमला करते हैं और ना ही इंसानों को अपना भोजन बनाने में वो इच्छुक होते हैं। इन सबसे विपरीत वो इंसानों की मदद करते हैं। अधिकतर जंगली जानवर इंसानों से दूर रहने की ही कोशिश करते हैं जिससे वो सुरक्षित रहें। इंसानों को देखना या उनके साथ रहना जानवरों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल नहीं होता है, लेकिन व्हेल्स, डॉल्फिन्स और ऑर्कास को ह्यूमन फ्रेंडली माना जाता है और इनकी कई आदतें भी इंसानों से मेल खाती हैं। जैसे डॉल्फिन्स टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, ऑर्कास एक दूसरे को नाम से बुलाती हैं और स्पर्म व्हेल अपने बच्चों की बेबी सिटिंग अच्छे से करती हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कुछ मरीन मैमल्स इंसानों की तरह गॉसिप करना भी जानते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने डॉल्फिन्स की बात की थी, चलिए उसी टॉपिक पर वापस आते हैं। स्क्रूनर ब्रेंडल को डॉल्फिन ने डूबने से बचाया था और ये कोई आम डॉल्फिन नहीं था। उस डॉल्फिन का नाम पिलोरस जैक था जो 24 सालों तक लोगों की मदद करती रही। फ्रेंच पास की चौड़ाई 1640 फीट है, लेकिन आगे एक पतला चैनल आता है, उसकी चौड़ाई केवल 330 फीट रह जाती है। साथ ही आसपास चट्टाने हैं, पानी का बहाव भी काफी तेज है जिस कारण वहां से शिप निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैक डॉल्फिन ने 24 सालों तक लोगों की मदद की जिस कारण वहां से जहाज निकालने में सेलर्स को काफी मदद मिल जाती थी। वो आगे चलकर नाव और जहाजों को रास्ता दिखाती थी। जैक के बारे में कई न्यूज़पेपर्स में भी छापा गया और उसके पोस्टकार्ड भी छपवाए गए। जैक पहला ऐसा समुद्री क्रिएचर था जिसे कानून ने प्रोटेक्शन दी थी। आखिरी बार जैक को सन 1912 में देखा गया। उसके साथ क्या हुआ होगा ये तो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। शायद किसी ने उसका शिकार कर लिया हो या फिर उसकी नेचुरल डेथ हो गई हो, कोई भी कारण हो सकता है। हालांकि आज तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि डॉल्फिन ने ह्यूमंस की मदद क्यों की। उसे ना तो इंसानों से खाना मिलता है और ना ही इंसान उसके लिए कोई काम करते हैं। बावजूद इसके कई इंसानों की डॉल्फिन्स ने मदद की है। एंशियंट ग्रीक में भी इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि डॉल्फिन्स को मदद करना अच्छा लगता है, न सिर्फ इंसानों की बल्कि अन्य प्रजातियों की भी वो मदद करती हैं। साल 2008 में मोको नाम के एक डॉल्फिन ने दो पिग्मी स्पर्म व्हेल्स की मदद की। असल में दो व्हेल्स समुद्र के तट पर आ गईं। लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पानी में धकेला, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से सतह पर वापस आ गईं। ऐसा कई बार हुआ, तभी अचानक वहां पर मोको डॉल्फिन पहुंच जाती है। ऐसा लगता है मोको डॉल्फिन उन दोनों व्हेल से कुछ कहती है, जैसे कि उसके पीछे पीछे आओ या फिर इंसानों से दूर रहो। डॉल्फिन की बात सुनकर पिग्मी व्हेल्स उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं और वापस समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती हैं। साल 2021 में आयरलैंड के पास एक स्विमर लापता हो गया। करीब 12 घंटों तक उसके बारे में कुछ पता नहीं लग सका। तभी पाया गया कि वो डॉल्फिन्स के झुंड के पास मौजूद है। असल में डॉल्फिन्स ने एक झुंड बना लिया जिससे कि रेस्क्यू टीम को संदेश दे सकें। एक या दो डॉल्फिन्स को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन पूरे ग्रुप पर यकीनन नजर चली ही जाएगी। शख्स को रेस्क्यू किया गया, उसे हॉस्पिटल लाया गया और उसकी जान बचाई गई। इन सब स्टोरीज के कारण ही डॉल्फिन्स को रियल हीरो कहा जाता है। डॉल्फिन्स की मदद करने की तो कई कहानियां और किस्से सुनने में आते हैं, लेकिन ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि इन्होंने इंसानों को चोट पहुंचाई हो या फिर उनके कारण किसी को नुकसान हुआ हो। एक और मजेदार स्टोरी आपको बताते हैं। ब्राजील में बोटलनोज डॉल्फिन मछुआरों की मछली पकड़ने में मदद करती है। वो मछलियों के झुंड को आकर्षित करती है तो कभी खुद ही मछलियां पकड़कर फिशरमैन की नेट में डाल देती हैं। कई बार वो मछुआरों को संदेश देती है कि किस जगह पर ज्यादा मछलियां मौजूद हैं, और ऐसा वे सदियों से करती आ रही हैं। डॉल्फिन्स को स्मार्ट माना जाता है, इनमें इमोशंस भी होते हैं, लेकिन ये इंसानों की मदद क्यों करती हैं इस बारे में रिसर्च आज भी जारी है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें बस खेलने के लिए कुछ चाहिए होता है। डॉल्फिन्स को खेलना काफी पसंद होता है। ये नए नए तरह के गेम्स खेलती हैं और आने वाली पीढ़ी को भी वही सिखाती हैं। लोगों की मदद करना भी इनके गेम का एक हिस्सा हो सकता है।
डॉल्फिन्स को स्मार्टनेस के कारण ही कई देशों में इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें लोगों को रेस्क्यू करने के बारे में अच्छे से सिखाया जा रहा है, साथ ही दुश्मन की वॉरशिप्स या अन्य खतरे से आगाह करने की ट्रेनिंग भी इन्हें दी जा रही है। आने वाले समय में यदि नौसेना में डॉल्फिन्स नजर आती हैं तो इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। हालांकि कुछ देश डॉल्फिन्स को एक वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जो जीव इंसानों की इतनी मदद करता है उसके साथ ऐसा करना या उसे इस तरह से इस्तेमाल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन इंसान अपनी आदतों से मजबूर है और अपना असली रंग वो जरूर दिखाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।